अगर आपको जैसे ही मॉनसून की सीजन शुरू होती है और शरीर के अलग अलग जोड़ों में अलग अलग मसल्स में आपको दर्द शुरू हो जाता है, जैसे कि नेक पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन या फिर घुटनों में अगर आपको दर्द शुरू हो जाता है और अगर आप इनका इलाज खुद घर पर ही करना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर भरत। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में ऐसी एक मॉडलिटी आपको सिखाने वाले हैं कि जिनके ये आप खुद घर पर ही यह सभी रोगों का इलाज बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो यह थेरापी का नाम है आईआर थेरापी, जिनको इंफ्रारेड थेरापी भी बोला जाता है। तो यहां पर हमारे साथ है डॉक्टर प्रिया। डॉक्टर प्रिया हमें यह इंफ्रारेड थेरापी के बारे में डिटेल में समझाने वाले हैं, तो इनको सीख लेते हैं। आज मैं बताने वाली हूं इंफ्रारेड है क्या और कैसे आपके बॉडी में वर्क करता है और आप कौन कौन सी कंडीशन में आयर ले सकते हो और किस तरह से ले सकते हो। ठीक है, आयर का फुल फॉर्म है इंफ्रारेड। ये इंफ्रारेड, ये जो आप देख रहे हो इधर मशीन, ये आयर लैंप है, उसमें से इंफ्रारेड रेस निकलते हैं। मेन स्रोत नेचुरल आयर का है सूर्य। अभी जब बारिश का मौसम चल रहा है और सूर्य नहीं निकल रहा है तो कितने लोगों को जोड़ों में दर्द हो रहा होगा, मसल पेन हो रहा होगा, फिर पहले जिसकी सर्जरी हो उसका पेन हो रहा होगा, तो इसमें यह आयर लैंप बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपको पेन को घटाने के लिए। ये जो आयर लैंप है इसको जब आप स्टार्ट करोगे तो इसमें से आयर रेस ऐसे निकलने शुरू हो जाएंगे। ये जो आयर रेस है वो हमारी स्किन पे गिरेंगे। स्किन पे हमारे फोटो रिसेप्टर होते हैं जो ये आयर रेस निकलते हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो आपके बॉडी में जो जिस जगह पे आपको पेन रहा होगा वहाँ पे जो ब्लड वेसल आती है जिसमें ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता, वहाँ पे वो जो ब्लड वेसल है उसको वो डायलेट करेगा, खोलेगा और वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देगा और जहाँ पे आप मसल में पेन रहा होगा वो रिलैक्स करेगा, जैसे आपका पेन कम हो जाएगा। और ये आयर लैंप को हम प्लेस कैसे करना है और कौन कौन सी चीज़ में, कौन सी कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आपको कोई भी जॉइंट में पेन हो रहा हो, जैसे कि शोल्डर है, एल्बो है, रेस्ट है, पूरे स्पाइनल में पेन हो रहा हो या फिर हिप में है या नी में, कोई भी जॉइंट में आप ले सकते हो। और जो कंडीशन है फ्रोजन शोल्डर है, सर्वाइकल है, फिर बेस पाल्सी है, साइटिका है और आर्थराइटिस में, नी आर्थराइटिस में भी आप ले सकते हो। तो फ्रोजन शोल्डर में ये कैसे हेल्प करेगा, पेन घटाएगा तो उससे आपकी रेंज बढ़ने में आसानी होगी। सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस में हेल्प रहेगा। बेस पाल्सी में जो आपके मसल है उसको, पैरालिसिस मसल को वो रिलैक्स करेगा तो उसमें आपको हेल्पफुल करेगा। ठीक है, अब ये आयर प्लेसमेंट हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आपको बैक पेन हो रहा है तो आपको क्या करना है, उल्टा लेट जाना है और ये छोटा, जिसमें छोटा बल्ब हो उसमें 40 से 45 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखना है, बड़ा लैंप हो तो 70 से 75 तक डिस्टेंस रखना है। तो बैक पेन के लिए आपको लेट जाना है उल्टा और ये जो जिस एरिया में आपको पेन हो रहा हो उसको ओपन करना है और बाकी के एरिया को ढक देना है। अब ऐसे स्विच को ऑन कर लेंगे, तब इधर आप देख रहे हो वो ऑन कर लेनी है, फिर इधर से टाइमर आता है। ये आयर लैंप मोस्टली हम 10 से 15 मिनट तक ले सकते हैं। तो ये जब आप स्टार्ट करोगे 10 मिनट आपको सेट करने लेनी है। ठीक है, अब इधर ये छोटा बटन आता है जिससे हाई और लो है, जिसको लग रहा हो कि मुझे ज़्यादा हीट लग रही है तो वो ऐसे लो भी कर सकता है। ठीक है, अब ये डिस्टेंस पे हमने रख दिया, सारे पार्ट को ये कवर करना है और सिर्फ यही पार्ट को आपने ओपन रखना है। फिर इसके ऊपर हल्का सा पतला कपड़ा रख देना है, जिससे क्या होगा कि ये जो आयर रेस निकल रहे हैं वो कपड़े पे गिरेंगे और 75% वो उस कपड़े में एब्जॉर्ब हो गए और 25% अप जाएंगे और वापस से वो कपड़े पे गिरेंगे। तो क्या होगा, जो रेस निकल रहे हैं वो कपड़े में ज़्यादा रहेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। ठीक है, अब जब ये हम ले रहे हैं तो किस बात का ध्यान रखना है, तो मेनली आपको
जब आप फ्रोजन शोल्डर में ले रहे हो तब आपकी आंखें क्लोज कर देनी है, सीधा आँख पे नहीं आए वैसा देख ध्यान रखना है आपको। फिर आपके बॉडी में कहीं भी मेटल की आपने चीज़ें पहनी हो वो रिमूव कर देनी है, क्योंकि वहाँ पे जब आएगा तो उससे ज़्यादा हीट जनरेट होगी और बंज होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, इसलिए उसको आपको रिमूव करना है। तीसरा है कि आपको डायरेक्ट जेनिटल ऑर्गन पे नहीं लेना है, नहीं तो उससे आपको नुकसान हो सकता है। अब ये आप आयर कितने मिनट तक, 10 से 15 मिनट तक ले सकते हो, दिन में 2 बार ले सकते हो और वीक में आप हर रोज़ भी ले सकते हो, उससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होता। अब ये कौन सी कंडीशन में आपको नहीं लेना है, जैसे कि आपको कोई स्किन एलर्जी है जैसे कि डर्मेटाइटिस है, स्टीमा है, उसमें ये आप नहीं ले सकते क्योंकि स्प्रेडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। ट्यूमर में आप नहीं ले सकते हो। अब तीसरा है डायबिटिक न्यूरोपैथी, उसमें सेंसेशन लॉस हो जाता है तो आपको हीट का पता नहीं चलेगा कि ज़्यादा आ रही है या कम आ रही है, तो उसमें आप नहीं ले सकते। आपने पेसमेकर किस में इम्प्लांट किया है, डिफिब्रिलेटर इम्प्लांट किया है, तो उसमें आप नहीं ले सकते हो। ट्यूबरक्यूलोसिस में आप नहीं ले सकते हो और प्रेग्नेंट वूमन को ये हानिकारक होता है सीधे बच्चे के लिए, इसलिए आप वो भी नहीं ले सकते हो। और ये आयर मशीन आपको ऑनलाइन 1500 से 2000 के बीच में अवेलेबल है, तो ये आप ऑनलाइन जाके भी आप खरीद सकते हो। मैं आशा रखती हूँ कि इन वीडियो से आपको आयर के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिल गई होगी। तो यहाँ पर हमने यह आयर थेरापी यानी कि इंफ्रारेड थेरापी के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन ले ली। तो यह आयर लैंप को आप घर पर ही परचेस करके इनके जरिए आप यह अलग अलग जोड़ों के दर्द में और अलग अलग मसल पेन में अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। तो आशा रखता हूँ कि आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। और ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।